तो आज अब्दुल हक के स्कूल में है भेलपूरी पार्टी, तो मैं उसका सारा सामान रेडी कर रही हूँ। इन लोगों का सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर जाने हैं और वहाँ पर भेलपूरी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लगिया ली है या मुरमुरा, और सेव है मेरे पास, पीनट्स हैं, और ये चॉप्ड अनियन, टमाटोज, धनिया, मिर्ची नहीं थी क्योंकि सारे बच्चे हैं, और मैंने चटनी है, बाकी कुछ ड्राई मसाले हैं। तो मैंने छोटे छोटे सारे जो डब्बे थे वो निकाल के रखे हैं ताकि ये मैं सारा सामान जो है अच्छे से उसमें रख सकूँ। तो जो रेस्टार्ट है सूखा वाला आइटम है, मैं सोचती इस तरह से पेपर बैग से उसमें डाल दूँ। रेस्टी बहुत बड़ा सा है, एक छोटा भी है मेरे पास, मैं उसको ट्राई कर देती हूँ कितना बेटर रहेगा। अभी मैं इसको तेज से इसको मैं मिक्स कर दूँगी, और इसमें पीनट्स और ये आलू की सेव पैक हो गया है। और ये देखिए, ये आइसक्रीम की डब्बियाँ थी जिसे मैंने रख लिया था निकाल कर, अब इसमें इसमें मैं टमाटो और अनियन को डाल दूँगी। चटनी है तो मुझे मैं सोच रही हूँ मैं इस बॉक्स को खाली करके मैं चटनी इसमें रख लूँ। मैं एक्चुअली चटनी बनाकर रख लेती हूँ फ्रिज में एक दो महीने के लिए, क्योंकि ये इमली गुड़ की चटनी होती है, और यकीन मानिए काम इतना इजी हो जाता है ना, कुछ भी आप बनाएं चटनी आपकी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर आई थिंक इतनी चटनी सफिशिएंट है बच्चों के लिए। इसे मैं यहाँ पर स्टेक से पेस्ट कर देना ताकि ये चिपक ना। चेक कर लेती हूँ अब्दुल हक की डायरी में कि क्या क्या आया था। तो हाँ, एक बॉल मुरमुरा था, पीनट्स थे, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमाटोज, टू ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिलीज भी मुझे लगा बच्चे हैं तो ग्रीन चिलीज नहीं होगी, एनीवेज मैं वो भी रख देती हूँ, एंड सॉल्ट, मैंगो पाउडर और टर्मिक चटनी एंड आलू भुजिया। सारी चीज़ें हो गई हैं, ये है सॉल्ट और ये है ड्राई मैंगो पाउडर। तो अब मुझे इस चीज़ के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा मैं किस में रखूँ, क्योंकि इतने छोटे छोटे बाउल्स बहुत मुश्किल होता है। एनीवेज मैं एक बार देखती हूँ घर पर मुझे क्या मिलता है, मैं किस में रखूँ ये सब। मुझे ये देखिए, मैंने ये छोटे बॉल से ये एक्चुअली सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, आप कुछ भी रखें, मैं इसमें ही नमक और ड्राई मैंगो पाउडर जो है वो रख दूँगी। ये बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं रखना है। ये भी हो गया। तो अब्दुल हक की जो पार्टी का सामान था ना वो पूरी तरह से रेडी है, और भेलपूरी बनाने के लिए मैंने ये बाउल, प्लास्टिक का बाउल है, और ये स्पून, और ये सारी चीज़ें मैं इस कैरी बैग में रख देती हूँ। तो ये अब्दुल हक का बिल्कुल रेडी है भेलपूरी पार्टी के लिए सामान। तो ये अब्दुल हक बिल्कुल रेडी हो गया है, बैग और सामान। ओके।
माई गॉड, कैसी बनाई थी बिल्कुल? सर को सबसे अच्छी पसंद आई मेरी। वेरी गुड। अब तो तुम सच में रियल में शेफ लग रहे हो। मैंने उसको ये दिया। ओह गॉड, एप्रन एंड शेफ कैप, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है।